मार डिजिटल सेवा में तो आज हम आपके लिए लेकर के आए बेहतरीन वीडियो। वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश हाई स्कूल का रिजल्ट कब आएगा और किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ऑफिशियल जानकारी है हम आपको देने जा रहे हैं। डेट कब आएगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन कैसे रिजल्ट बनेगा वो पहले हम आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड, सीधा आपको ले चलते हैं न्यूज़ के पास में और आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हर एमपी बोर्ड से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहेगी और भी संबंधित सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी समय से पहले। जैसे फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं गूगल की वेबसाइट पर और मेन मुख्य पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको डाल देना है mpbse.nic.in, ये डाल देना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है मध्य प्रदेश बोर्ड की और यहाँ पर सबसे ऊपर वाला है उसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस है आपके सामने आ जाएगा और आने के बाद आप इस तरीके से देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है हाई स्कूल आंतरिक प्रायोगिक परीक्षा OMR सीट भेजने बाबत। इस तरीके से आपके पास जो न्यूज़ है वो न्यूज़ आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर न्यूज़ देखने का, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस में आप यहाँ पर क्लिक करोगे। क्लिक करने का सबसे ऊपर वाला जो है हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 के परीक्षा परिणाम के संबंध में, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, जो कि 4 तारीख को आया था। यहाँ पर आप देख पाएंगे रिजल्ट किस तरीके से तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 के परीक्षा परिणाम के संबंध में सामान्य प्रश्न, तो जो जानकारी है क्या है, जो आप सॉरी आपके जो प्रश्न है उसका जवाब इसमें मिलने वाला है आपको। यहाँ हम पॉइंट बाय पॉइंट जानकारी पूरी क्लियर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, क्या हाई स्कूल की परीक्षा आयोजित की जाएंगी? तो आपको पता है नहीं की जाएगी, सबसे पहली बात है, तो क्लियर है आपके सामने। किन परीक्षाओं का अधिभार वार्षिक रिजल्ट बनाने के में लिया जाएगा? अधिभार क्या होगा? अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, यूनिट टेस्ट और आंतरिक मूल्यांकन। अभी क्या है, कैसे काम करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ पॉइंट नंबर 3 को पढ़ के। प्रत्येक परीक्षार्थी के प्राप्तांकों की गणना कितने अंकों से की जाएगी, ये आपका प्रश्न है, तो 100 अंकों से की जाएगी। प्रत्येक विषय में कितने अंकों से अधिभार दिया जाएगा, वो 100 में से प्राप्तांकों को शाला द्वारा 20 अंकों में से प्राप्त होने वाले अंकों में प्रो रेट किया जाए के आधार पर दिया जाएगा। अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक होती है तो प्लीज़ माफ़ करें, ये जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है 100 अंक जो आपके टोटल होंगे, लेकिन जो है इसमें आधार उसको 20 अंक माना जाएगा और 20 अंक के आधार पर ही आपको जो है जो नंबर दिए जाएंगे। तो आप मान लें कि 20 नंबर आपके पूरे हैं तो इसका मतलब आपका 100% है। अब वो अगर 10 नंबर है तो 50% है। इस तरीके से आपका जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इधर OMR सीट्स में वास्तविक प्राप्तांक भरने हैं अथवा 29 छात्रों को उत्तीर्ण करते हुए अंक भरने, ये प्रश्न है। तो वास्तविक प्राप्तांक अंकित किए जाए, 29 छात्रों को न्यूनतम उत्तीर्णांक मंडल स्तर पर प्रदान किए जाएंगे। मतलब अगर न्यूनतम अंक उसके अगर वो फेल भी हो रहा है तो उसको न्यूनतम अंक जो है मंडल द्वारा दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर कितना कितना परसेंटेज दिया जाएगा वो आपको बता देते हैं। अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड में से कितना अधिभार लिया जाएगा, तो इसमें से 50% इनका जो नंबर टोटल ऑफ नंबर्स रहेंगे उसका 50% दिया जाएगा। साथ ही यूनिट टेस्ट में कितना अधिभार देना है, यूनिट टेस्ट जो हुए हैं उनमें से 30% आपको लेना है। आंतरिक मूल्यांकन का अधिभार रहेगा 20%, अर्थात आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक में से प्राप्त अंकों को यथावत रखा जाएगा। यहाँ पर किस विषय में कुल 100 में से 80 अंक प्राप्त हुए तो OMR में कितने अंक भरे जाएंगे, तो 100 में से अगर प्राप्तांक 80 हैं तो 101 में से प्राप्तांक 80/100, ठीक है। अतः 20 में से प्राप्तांक 80/100 × 20 = 16, तो आपका जो अंक भरे जाएंगे वो कितने भरे जाएंगे, 16 अंक भरे जाएंगे 80% के, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था। इधर विज्ञान एवं NSQF के प्रायोगिक अंकों को कैसे भरे जाएंगे, जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसके अंक कैसे भरे जाएंगे, तो उसकी जानकारी है। प्रायोगिक अंक परीक्षार्थी के वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर OMR में अंक प्रदान किए जाएंगे। वार्षिक जो उनने उनका प्रदर्शन रहा है कैसा विद्यालय में रहा है, और विद्यालय तो वैसे गए ही नहीं है उनके जो है उससे पहले वाले साल में, उस तरीके से जो है वो कैसे भी सेटअप कर सकते हैं विद्यालय वाले, उस तरीके से आपका प्रायोगिक अंक OMR में नहीं भरे हैं जाएंगे, कुल अंकों के आधार पर OMR भरी जानी है, जो कुल अंक रहेंगे उसके आधार पर OMR भरी जानी है। साथ ही पॉइंट नंबर जो 11 है, अर्धवार्षिक परीक्षा प्री बोर्ड यूनिट टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के मूल अभिलेख संस्था या समन्वय संस्था में रखना है, तो इसका जवाब है मूल अभिलेख स्वयं की संस्था में सील्ड कर रखना है। स्वयं की संस्था में जो मूल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब लेख जो भी जानकारी वो सबको सील करके अपने पास रखना है। बेंचमार्क अंक क्या है, विगत 3 वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ औसत अंक शाला के बेंचमार्क होंगे, मतलब 3 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ औसत अंक जितने होंगे वो उसका बेंचमार्क अंक रहेगा। अब बेंचमार्क अंक में किस तरीके से समझेंगे समझते हैं आपको।
जैसे कि आप एक बार समझ लें कि अगर 3 साल का किसी साल 42% रहा है, किसी साल 50% रहा है रिजल्ट, किसी साल 60% रहा है, तो तीनों का जो एवरेज परसेंटेज बनेगा उस आधार पर ही विद्यालय का रिजल्ट तैयार किया जाएगा, उतने ही परसेंटेज के आधार पर रिजल्ट पास बनाया जाएगा। तो उसमें वो जो बच्चे अच्छे स्टडीज में पढ़ने में अच्छे हैं उनके परसेंटेज ज़्यादा बनाए जाएंगे, जो कमजोर हैं उनके आधार पर उनको न्यूनतम अंक दे करके उनको पास किया जाएगा। फेल कोई नहीं होना है। साथ ही वर्ष 2021 के अधिकतम परीक्षा परिणाम क्या होगा, विगत 3 वर्षों के औसत अंकों का सर्वश्रेष्ठ से +2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों तीनों का मैंने आपको बताया, उनका औसत साथ में 2% आप एक्स्ट्रा और जोड़ सकते हैं। जैसे आपका 72% रहा है तो उसको 74% तक अधिकतम ले जा करके जा सकते हैं। साथ ही आपका यदि किसी शाला में 3 वर्षों के औसत अंक उपलब्ध नहीं है या नवीन अन्य शाला है, मतलब नई शाला खुली, तो ऐसी स्थिति विगत 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन औसत अंकों को उस शाला का बेंच मार्क माना जाएगा। तो जो भी रहेगा उनका उस वर्ष के आधार पर माना जाएगा, उस शाला का बेंच मार्क माना जाएगा। संस्था के MP ऑनलाइन लॉग इन में प्रदेश प्रदेश औसत अंक उपलब्ध है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे लॉग इन करोगे किसी भी विद्यालय को, लॉग इन करने के बाद उसके हर विद्यालय के कोड के हिसाब से उसका टोटल ऑफ दिखाया गया है, लेकिन वो बिना लॉगिन के नहीं दिखाया जा सकता है। वहाँ पर उनका टोटल बेंचमार्क उतने अंक से सभी के, जो बच्चे इतने आपके विद्यालय पढ़ रहे हैं उनके टोटल अंक जोड़ने के बाद उस उन अंकों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उन अंकों से ज़्यादा होते हैं तो आपका रिजल्ट हिंद सही नहीं माना जाएगा। साथ ही आपका जो है शाला के वर्तमान स्तर में बेंचमार्क अंकों की गणना किस प्रकार की जाएगी, तो शाला के छात्रों द्वारा प्राप्त वास्तविक अंकों के योग के आधार पर ही की जाएगी। इधर अनुपस्थित छात्रों के अंक कितने दिए जाएंगे, 0। अनुपस्थित जो रहे एब्सेंट हैं उनको 0 दिया जाएगा, वो फेल हो सकते हैं। औसत अंक शाला को कैसे प्राप्त होंगे, शाला के MP ऑनलाइन लॉगिन में उपलब्ध कराए गए हैं। वहाँ MP ऑनलाइन लॉगिन करोगे तो वहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं हर विद्यालय के, वो विद्यालय ही देख सकता है। पास अंकित छात्रों के कितने अंक मान किए जाएंगे, 33 अंक कम से कम होंगे तभी उनको पास माना जाएगा। साथ ही यदि संस्था में 92 छात्र हैं और समस्त छात्रों के अंकों का कुल योग 30,467 मतलब 3,467 है तो औसत अंक कितने होंगे। तो अगर 92 छात्र है तो 30,467/92 331.16 मतलब ये उनका ओवरऑल एवरेज जो है नंबर हो गए। इसी के आधार पर उनका परसेंटेज तैयार किया जाएगा। आपके किसी के ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी के कम भी हो सकते हैं। अब क्या रहेगा, 331.16 अंक प्रतिशत कितना होगा, 92 × 600 = इतना ये दिया हुआ है। अब हुआ उसका जितना टोटल औसत अंक है उसको नीचे लाएंगे, उसका डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो परसेंटेज बनेगा उतने परसेंटेज के आधार पे आपको बच्चे जो है उनका बच्चों का रिजल्ट तैयार करना होगा। इधर मंडल द्वारा किस शाला के परिणाम का मेडिटेशन कब किया जाएगा, तो मेडिटेशन किया जाएगा विगत 3 वर्ष के सबसिस्ट अंक, मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें 2% ऐड कर सकते हो बस। मंडल द्वारा कब मेडिटेशन नहीं किया जाएगा, सर्वश्रेष्ठ औसत से कम अंक प्रदान करने पर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर मेडिएशन समानुपातिक कटौतरा करने का क्रम क्या होगा, अंक कटौती हेतु क्रम क्रमशः तृतीय भाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, सामाजिक विज्ञान एवं ज्ञान गणित रहेगा। जो छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे हैं क्या उन्हें शाला स्तर पर उत्तीर्ण करते हुए अंक प्रेषित किए जाने हैं, जी नहीं, शाला द्वारा छात्र के वास्तविक प्राप्त अंक प्रेषित किए जाए। अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को कितने न्यूनतम अंक प्रदान करना उत्तीर्ण करना है, 33% मतलब 33% उनको दे करके उत्तीर्णांक देने हैं। अनुत्तीर्ण कौन सा परीक्षार्थी होगा, समस्त परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाला परीक्षार्थी वो अनुत्तीर्ण होगा, वो पास नहीं किया जाएगा किसी भी स्थिति में। अनुत्तीर्ण परीक्षा पुनः कब परीक्षा दे सकता है, आगामी सत्र 2021 और 2022 में दे पाएगा। साथ ही अंक मूक बधिर श्रेणी के परीक्षार्थियों का परिणाम कैसे बनेगा, सामान्य छात्रों के अनुसार ही उनका भी बनेगा, उसी आधार पर उनका भी रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इधर स्वाध्यायी छात्रों का परीक्षा परिणाम जो आप बोलते हैं प्राइवेट, उनका न्यूनतम उत्तीर्ण 33 अंक अंकित करते हुए अंक जो है अंक सूची जारी की जाएगी। तो जितने भी प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनको सबको 33% रिजल्ट तैयार करके दिया जाएगा, ठीक है। इसका बेस्ट ऑफ 5 पद्धति इस सत्र 2021 में लागू रहेगी, जी हाँ। तो बेस्ट ऑफ 5 की पद्धति भी इसमें जारी रहेगी। क्या शाला स्तर पर परीक्षा परिणाम बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर तैयार किया जाएगा, जी नहीं, समस्त 6 विषयों के प्राप्त अंकों के आधार पर शाला के इस सत्र के औसत अंकों की गणना की जाएगी, ना कि बेस्ट 5 की पद्धति के अंतर्गत आने वाली 5 विषयों पर। रिजल्ट पूरे 6 के हिसाब से ही तैयार किया जाएगा। साथ ही अंक सूची में श्रेणी अंकित की जाएगी क्या, जी हाँ, नियमित परीक्षार्थियों की अंक सूची में श्रेणी अंकित की जाएगी, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन जो भी है वो किया जाएगा।
ऑनलाइन ओआर सीट भरने की सुविधा कब से उपलब्ध रहेगी? ये 24/5 से स्टार्ट हो चुकी है, एमपी ऑनलाइन पर लॉगिन में उपलब्ध है, वहाँ आप भर सकते हैं। ये विद्यालयों के लिए है, लेकिन आपके लिए नहीं स्टूडेंट्स हो आप, ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये कब तक चलेगा तो ये आप समझ लें। आंतरिक प्रायोगिक परीक्षा की ओएमआर सीट जमा करना कब आवश्यक नहीं होगा? ऑनलाइन अंक प्रेषित करने के विकल्प का चयन करने पर आपको जो है जमा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एनएसक्यूएफ के विषयों में कितने नंबरों के आधार पर ओएमआर सीट में प्रोरेटा के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे? तो कुल 100 अंकों में से प्राप्तांक कुल अंकों को 60 अंकों में प्रोरेटा के आधार पर जो है एनएसक्यूएफ के रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। यदि किसी छात्र के अंक दशमलव में जैसे 10.8 बनते हैं तो ओएमआर सीट्स में क्या अंक भरे जाएंगे? तो ओएमआर सीट्स में अंक पूर्णांक में ही भरे जा सकते हैं, पूर्णांक में परिवर्तन करने हेतु राउंडिंग की जाएगी। इधर राउंडिंग कैसे की जाएगी? दशमलव भाग में 0.5 से कम हो तो दशमलव भाग को छोड़कर पूर्णांक अंकित करें, दशमलव भाग में 0.5 या इससे अधिक हो तो अगले पूर्णांक को अंकित करें। उदाहरण मतलब आपका 10.4 है तो 10 ही रहेगा, 10.5 है तो 11, मतलब राउंड ऑफ नियम कहता है अगर 5 तक है तो आपका एक बढ़ जाएगा, अगर 5 से नीचे है तो एक घट जाएगा। इधर क्या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पद्धति से अंक जमा किए जाना है? जी नहीं, ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन एक ही पद्धति का चयन करें, या तो ऑफलाइन रिजल्ट जमा करें या ऑनलाइन रिजल्ट जमा करें, जैसा भी आपको जमा करना है वो कर सकते हैं आप। इसके बाद नीचे आ जाना है, नीचे आ जाने के बाद पॉइंट नंबर मैं 39 क्लियर कर चुका हूँ। पॉइंट नंबर 40 है, क्या कुछ छात्रों के अंक ऑनलाइन तथा कुछ छात्रों के अंक ऑफलाइन जमा किए जा सकते हैं? जी नहीं, संस्था के संपूर्ण अंक एक ही पद्धति से जमा होंगे, मैं आपको बता चुका हूँ। एनएसक्यूएफ में 100 में से किस परीक्षार्थी को 80 अंक सैद्धांतिक प्रश्न प्रायोगिक के प्राप्त हुए, तब ओएमआर शीट्स में कितने अंक प्रोरेटा के आधार पर अंकित किए जाएंगे? तो यहाँ पर 48 अंक दिए जाएंगे। जिले की समन्वय संस्था में ओएमआर सीट मैनुअल ऑफलाइन ऑब्लिक ऑनलाइन जमा करने की नवीन संशोधित तिथि क्या निर्धारित की गई है? तो 10 जून तक जो है जो सीट्स आपको जमा करनी, चाहे ऑनलाइन जमा करें या ऑफलाइन जमा करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन के अंक किस प्रकार संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई ओएमआर सीट्स जमा होंगे? संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई ओएमआर सीट्स के माध्यम से ही जमा होंगे। इधर क्या इस वर्ष पूरक परीक्षा आयोजित की जाएगी? जी नहीं, कोई पूरक परीक्षा नहीं कराई जाएगी। क्या इस वर्ष प्रवीण सूची जारी की जाएगी? जी नहीं, कोई प्रवीण सूची जारी नहीं की जाएगी। विज्ञान विषय के स्वाध्याय छात्रों की ओएमआर सीट पर सीट भारी भरी जाने है अथवा नहीं? जी नहीं, शासकीय शालाओं में यूनिट टेस्ट नहीं हुए बल्कि रिवीजन टेस्ट हुए, क्या ऐसे यूनिट टेस्ट माना जाएगा? जी नहीं। ठीक है, इधर नीचे आ जाना है और इस तरीके से जो है आपकी पूरी जानकारी इसमें मैंने दी आपको। और अब आती है रिजल्ट की बारी, तो रिजल्ट की बारी में बता दूं, रिजल्ट 10 जून तक आपका रिजल्ट जो है फीड किया जाएगा। सबसे पहली बात, 10 जून से हो सकता है कि अगर ना फीड हुए तो डेट बढ़ भी सकती है, 15 तक भी जा सकती है। तो आपका रिजल्ट है वो अप्रोक्स 25 जून, 25 जून तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है। ये हाई स्कूल का है, इसी प्रकार जब इंटर का आएगी जानकारी, मैं इंटर की जानकारी भी आपको दूंगा। तो ये इस तरीके की जानकारी आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश से बोर्ड से संबंधित सभी जानकारी मिलती रहे। और साथ ही रिजल्ट जैसे ही आएगा या रिजल्ट की जैसे ही डेट अनाउंस होगी, मैं आपको वीडियो के माध्यम से आगाह कर दूंगा, बता दूंगा और आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जिससे कि आप जो है तैयार रह सकेंगे रिजल्ट देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मुख्य जानकारी के साथ आपके साथ विदा चाहता हूँ। आज का वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।